तेज प्रताप यादव अपनी डीएसएस फौज लेकर खड़े थे, उधर धीरेन्द्र शास्त्री ने भरे मंच पर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। बिहार में समय से पहले धीरेन्द्र शास्त्री को क्यों रोकनी पड़ गई हनुमान कथा। तेज प्रताप यादव ने सीधे धीरेन्द्र शास्त्री से टक्कर ली है। एक तरफ बिहार सरकार है और दूसरी तरफ खुद को हिंदू शेर बताने वाले धीरेन्द्र शास्त्री हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार पहुंचते ही बवाल मच गया है। बागेश्वर बाबा का जिस गांव में दरबार लगा है, वहां लोगों की भीड़ से 3 किलोमीटर तक पैर रखने की जगह भी नहीं बची है। दूर दूर तक सिर्फ जनसैलाब नजर आ रहा है, लेकिन इसी बीच हर किसी की नजर तेज प्रताप यादव और उनकी फौज पर है। तेज प्रताप यादव अपनी डीएसएस आर्मी के साथ कहां छुप कर बैठे हैं और कब धावा बोल देंगे, हर किसी को बस यही डर सता रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार में घुसने से पहले ही तेज प्रताप यादव ने ऐलान कर दिया था कि वो बाबा को खुद गिरफ्तार करवाने जाएंगे। ये वो फौज है जिसे पिछले 1 महीने से तेज प्रताप यादव ट्रेनिंग दे रहे थे, लेकिन बागेश्वर बाबा के बिहार में घुसने के बाद वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। हालात ऐसे बन गए कि खुद अपने मन से बाबा बागेश्वर को माइक से बहुत बड़ा ऐलान करना पड़ गया। तेज प्रताप यादव अपनी फौज के साथ कहां हैं? उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर लालू प्रसाद यादव ने क्या कांड कर दिया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार पहुंचते ही बीजेपी नेता स्वागत कर रहे हैं। मनोज तिवारी और गिरिराज सिंह जैसे नेता कथा में आरती करने पहुंचे। आरजेडी को लग रहा है कि बीजेपी इससे 2024 चुनाव को टारगेट कर रही है और इससे चुनाव जीत सकती है। शायद इसीलिए खुद तेज प्रताप यादव भी धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार में नहीं घुसने देना चाहते थे। लेकिन जब इधर तेज प्रताप यादव धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, उधर लालू प्रसाद यादव मजार पर दुआ मांगने पहुंच गए। लालू प्रसाद यादव ने मजार पर पहुंचकर फूल माला चढ़ाई, इसके साथ ही चादर डालकर दुआ भी मांगी है। लालू यादव ये सब तब कर रहे हैं जब धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में है। लालू यादव ने हमेशा MOI फैक्टर पर काम किया है। इस बार भी लालू यादव को लगता है कि मुस्लिम और यादव का गठजोड़ बीजेपी की हिंदुत्व वाली राजनीति पर भारी पड़ेगा। तेज प्रताप यादव अब क्या करने वाले हैं? उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री को अपनी कथा बीच में ही क्यों रोकनी पड़ गई। बिहार के जिस नौबतपुर गांव में धीरेन्द्र शास्त्री कथा कर रहे हैं, वहां पर पूरे देश से इतना ज्यादा जनसैलाब पहुंच गया कि सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा के दरबार से 3 किलोमीटर दूर तक पैर रखने की भी जगह नहीं है। हर तरफ सिर्फ बाबा के भक्त नजर आ रहे हैं। हालात ऐसे बन गए कि खुद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को माइक से ऐलान करना पड़ गया कि अब वहां पर जगह नहीं है और सभी लोग अपने घर से ही कथा सुने। अब सवाल ये है कि आखिर तेज प्रताप यादव क्या करने वाले हैं और इस वक्त कहां हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव ने बाबा के सामने हार मान ली, लेकिन सच बात यह है कि तेज प्रताप यादव चाहकर भी बाबा को नहीं रोक सकते। जिस DSS फौज को तेज प्रताप यादव ने बाबा को रोकने के लिए तैयार किया था, अगर गलती से भी कथा के बीच में वो पहुंच गई, तो जन सैलाब के बीच से बाहर लौट कर आना भी मुश्किल पड़ जाएगा। बिहार में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमान कथा में इतना ज्यादा जन सैलाब उमड़ पड़ा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को समय से पहले ही अपनी कथा को रोकना पड़ गया। 15 मई को पटना में धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार और फिर प्रेत दरबार भी लगने वाला था, लेकिन बढ़ती भीड़ की वजह से धीरेन्द्र शास्त्री ने दिव्य दरबार नहीं लगाने का फैसला किया है। वहीं दावा किया जा रहा है कि खुद नीतीश कुमार भी बाबा की हनुमान कथा में पहुंच सकते हैं। इसी बीच धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में हमले का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। पुलिस को डर है कि कोई हमला कर सकता है। बिहार पुलिस अलर्ट हो गई है। कुछ लोग तो दावा ये भी कर रहे हैं कि तेजू भैया के डर से ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या तेज प्रताप यादव अभी भी बागेश्वर बाबा को रोकने के लिए उनकी कथा में पहुंच सकते हैं? वैसे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।